अपनी मम्मी का नंबर बताओ। आंसर मी मैम प्लीज। अरे पता नहीं गोवा में क्या हो गया, जहां देखो बस यही कचरा। घूरो मत, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? हाँ बेटा बताओ, आपने इनका बैग चुराया है? चुराया नहीं था, मैं तो बस अपने स्कूल बैग से कंपेयर कर रही थी। लाया लाया पैंट्स ऑन फायर, इसके पास तो स्कूल बैग ही नहीं था। बेटा आपकी मम्मा घर पर है? डैडी देखो माँ बाप का भी पता नहीं है। हाँ बेटा, डैडी वो आपकी डैडी है? एक्सक्यूज मी सर। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, गुस्सा उन पे, इसीलिए कहा था चोरी मत करो। एक्चुअली उसने मुझे पे करने को कहा था। नेवर माइंड, बचपन में गलतियां करते हैं फिर अपने आप सीखते हैं। सिर्फ पैदा करने से ड्यूटी खत्म नहीं होती, हमेशा अकेले देखा है उसे, उसको अपना वक्त दो, उसके साथ आया करो जैसे बाकी डैडी जाते हैं, एंड शी विल बी फाइन। प्लेयर दो। हैंडसम, देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन ये लो, बहुत प्रेशियस है, सबको बचाता है। अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। शर्म आई ना बताने में कि तुम मुझे जानते हो, सब प्रिटेंड करते कि मुझे नहीं जानते। मेरे स्कूल में भी मम्मा ने भी कहा अगर कभी रास्ता भूल जाओ तो फोन नंबर और एड्रेस भी भूल जाना, वापस घर मत आना। जब बहुत ड्रिंक करती है तो कहती है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। मैं उस मोटी पर गुस्सा नहीं थी, उसने तो सिर्फ मुझे मारा, लेकिन तुम तो उससे भी बुरे हो। लेकिन मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती, अगर मैं तुम्हें हेट करूंगी तो पूरे वर्ल्ड में लाइक करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं ना। मैं तुम्हें हेट नहीं कर सकती। Ah!
सब उतार दिया। चाहिए क्या? बहुत साफ चाहिए। ड्रग्स नहीं, क्राइम नहीं, कचरा नहीं, फॉरेनर्स का वीजा खत्म होने के बाद रुकना नहीं, बाकी बातें यहाँ करें कि ऑफिस में। बातें बहुत कर ली सर, सीधा काम शुरू करते हैं। हराम खोरों की लंबी लिस्ट है। गोवा में ड्रग्स का मतलब है मानतू। लाने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और पेडलर्स का पूरा रैकेट संभालने वाला यही है। ये फुटबॉल मांतू का बाया हाथ, सिर्फ खाल मोटी है, अकल नहीं। मांतू का मेन बिजनेस यही संभालता है। एडविन, इसको सिर्फ हम लोग जानते हैं, ये स्ट्रीट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, लेकिन हर दो नंबर के धंधे की जानकारी रहती है इसको। फरेरा ब्रदर्स, लूक और केविन, मांतू के साथ कुछ लिंक्स हैं क्या? कोई कोई डील्स करते हैं साथ में। ये दोनों भाई पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। ये अटीला है, थाई बॉडीगार्ड है उनका। इनका कचरा यही साफ करता है और इतनी सफाई से कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। चेन्नई में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो डॉक्टर जयराम अरेस्ट हुआ था, उसने अपने कन्फेशन में दोनों भाइयों का नाम लिया था, लेकिन बाद में उसने अपना कन्फेशन विड्रॉ कर लिया और दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ओवरस्टे करने वाले और वीजा एक्सटेंड करने वाले टूरिस्ट आजकल एक और कार्टेल का शिकार हो रहे हैं। पॉन शॉप्स में चीजें गिरवी रख के या बेच के वो दो एक दिन और गुजार लेते हैं गोवा। जब पैसा वापस नहीं कर पाते तो ये फॉरेनर्स बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं और पॉन शॉप ओनर्स और लोन शार्क्स के कहने पर ड्रग कार्टेल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं या ऑर्गन हार्वेस्टर्स को किडनी बेच देते हैं। ये कुछ और छोटे छोटे कार्टल्स है सर, बच्चों से भीख मंगवाने वाले, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और एक नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है, कार्ला आंटी। ये आंटी छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाती है और हम लोग ये आंटी अंकल के लिस्ट बनाते रहते। हम जर्नलिस्ट नहीं है, पुलिस वाले हैं संगोटकर। सर पुलिस वाले इससे तो हाथ बंधे हुए हैं, कभी आदमी की कस्टडी नहीं मिलती तो कभी सबूत नहीं मिलता तो कभी कोर्ट कन्फेशन नहीं मानता। सर सफाई चाहिए तो केस वाटर टाइट होने चाहिए और हाथ खोले। खोल दिए समझो, आगे कोई भी कॉन्फ्रेंस मेजर अरेस्ट और कन्विक्शन के बाद ही होनी चाहिए। एक महीना, सिर्फ एक महीना सर।